फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि एवर सिंस क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम एवर सिंस को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, एवर सिंस का मतलब होता है तब से। जैसे अगर आपको कहना हो वह मुझसे तब से बात नहीं करती है, तो इस सेंटेंस के लिए मैं कहूंगा शी डज नॉट टॉक टू मी एवर सिंस, यानी तब से वह मुझसे बात नहीं करती है। मैं उसे 5 साल पहले देखा और तब से मैं उससे मिलने की कोशिश करता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I saw her 5 years ago and have been trying to meet her ever since, यानी तब से मैं उससे मिलने की कोशिश करता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने बोला ever since, यानी तब से। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं तब से शराब पीना छोड़ दिया, तो आप कहेंगे I gave up drinking wine ever since, यानी मैं तब से शराब पीना छोड़ दिया, वह तब से यहाँ आना बंद कर दिया। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He left coming here ever since, यानी वह तब से यहाँ आना बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि ever since का मतलब होता है तब से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर 2 sentences कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? 2 sentences कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।